नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सम्बुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मिथिला के महाकुंभ मानल गेल माध्यमिक परिक्रमा फागुन 27 गति से शुरू भ रहल मुख्य प्रश्न से। मिथिला माध्यमिक परिक्रमा फागुन 27 गति से शुरू भ रहल है। धनुषा के कचुड़ी से 15 दिन ऐतिहासिक धार्मिक परिक्रमा शुरू भ रहल है। अय परिक्रमा समय नेपाल आ भारत के हजारों श्रद्धालु 15 ठाम में विश्राम करते 133 किलोमीटर पैदल यात्रा करे। नेपाल भारत के 133 किलोमीटर के खाली पैर भ्रमण क्या जाते मिथिला माध्यमिक परिक्रमा 18 शताब्दी से चलत आयल। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव जानकारी दिलन। यह यात्रा के लिए रवि दिन फागुन 27 गति धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका 8 कचड़ी स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से झांकी कीर्तन सहित श्रद्धालु भीड़ प्रस्थान करते मिथिला बिहारी मंदिर के महंत राम नरेश्वरन जानकारी दिलन। परिक्रमावासी सामाजिक संबंध मजबूत बनाव एकता के भाव प्रकट कर जिक्र कल गल। प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर के चारू कोना में राजा जनक चारिटा सेवालय कलनानेश्वर जलेश्वर क्षीरेश्वर आ सप्तवेश्वर स्थापना केने छलन जैके आधार मानि के परिक्रमा कल जात। चारूटा सेवालय राजा जनक के इष्ट देव रहल छलन। वर्ष में एक बेर विशाल रूप में तीर्थालु सब मोक्ष प्राप्ति के लिए मिथिला के माध्यमिक परिक्रमा कर प्रचलन रहल। सरलाही में 4 वर्षक बालक के अपहरण के आरोप में प्रहरी एक गोठी के नियंत्रण में लेने है। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी दीपेंद्र पंजियार थारू के अनुसार अपहरण में पड़ल बालक के उद्धार समेत कल गल। अपहरण के आरोप में प्रहरी भारत सीतामढ़ी बथुरवाहा वड़ा नंबर 1 रहित आयल 27 वर्षक अताबुल अंसारी के नियंत्रण में लेने है। हिनका भारतीय नागरिक सीतामढ़ी सोनवर्षा जानकी नगर वड़ा नंबर 1 दरबार लाल बन्नी रहित आयल 4 वर्षक अंकित कुमार राम के अपहरण केने आरोप रहल। ओ सरलाही पर्सा गांव पालिका वडा नंबर 2 स्थित मामा घर में रहित आयल छलन। वो दिन दोपहर करीब 1:30 बजे के समय पुरपुरी खरीद कर लेन निकलल में इनका अपहरण कल गल। डीएसपी पजियार जिक्र कलन उधार कल गल बालक के परिवार के जिम्मा समेत लगायल गल। अहिना नियंत्रण में लेल गल अंसारी ऊपर मैप थप करते जिला अदालत सरलाही में रखल गल। आरती शाह हत्या भेल करीब 10 महीना के बाद जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा थप एक गोटे के नियंत्रण में लेने है। आरती शाह हत्या प्रकरण में जिला के होत सर्वोच्च अदालत धैर्य सुनवाई भ चुकल अवस्था में बुध दिन सांझ प्रहरी जनकपुर के 27 वर्षक रवि कुमार शाह के नियंत्रण में लेने है। नियंत्रण में रहल शाह मृतक शाह के देवर रहल है। गत जेठ 7 गते अपने घर में फांसी लागल अवस्था में आरती मृत अवस्था में भेटल छलन। आरती के नैहर पक्ष बेटी के हत्या कल गल कहत आरती के श्रीमान मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन शाह विरुद्ध किटानी जाहिरी दर्ता करौले छल। अही मुद्दा में जिला अदालत धनुषा आरती के श्रीमान मोती बाबू शाह आ ससुर मदन मोहन शाह के पूर्व पक्ष के लिए थुना में पठौने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर धाम यह दुनू गोटे के साधारण तारीख में छोड़ आदेश समेत देने छल। बाद में सर्वोच्च अदालत से इस मुद्दा में आरती के पति मोती बाबू शाह के पूर्व पक्ष के लिए थुना में आ ससुर मदन मोहन शाह के 1,00,000 धरोटी में छोड़ आदेश देने छल। एम्हर बुध दिन प्रहरी रवि कुमार शाह के नियंत्रण में लेने बाद आरती के सासुर पक्ष जिला प्रहरी कार्यालय अगाड़ी नारा जुलूस करते प्रदर्शन केने अछि। जाहिरी समेत नहीं पड़ल व्यक्ति के प्रहरी नियंत्रण में लख अपन परिवार ऊपर अन्याय केने कहत इस सब गोटे प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन केलक। प्रहरी अपन वाही वाही के लिए अपन निर्दोष बेटा के नियंत्रण में लेने आरती के ससुर मदन मोहन शाह आरोप लगौलन। नियंत्रण में लेल गेल शाह के अविलंब रिहा करब मांग समेत कल गल। त्रिशूली में बस दुर्घटना बाद बेपता रहल एक गोटे के लाश से भेटल है। बृहस्पति दिन भिनसर 11:30 बजे सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस आदाम घाट से खटल गोताखोर के टोली लाश भेटल जानकारी दिलक। सशस्त्र प्रहरी बल के सह प्रवक्ता डीएसपी सुरेंद्र थापा के अनुसार दुर्घटना स्थल से करीब 150 मीटर नीचा त्रिशूली नदी से लाश निकालल गेल। मृतक करीब 20-25 वर्षक पुरुष रहल छन। हिनकर लाश नदी से निकालल गेल पहचान खोज अखन काम भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी दिल गेल। बुध दिन रूपंदेही से काठमांडू आबि रहल सिद्धार्थ यातायात के लू 2X21 नंबर के बस भिनसर 4:40 धारणी के खजूरी गांव पालिका 5
घाट बेसी स्थित सड़क से 100 मीटर नीचा त्रिशूली नदी में खसल सर दुर्घटना में 7 गोटे के घटनास्थले में मृत्यु भिन्सर थप 1 गोटे के लाश भेटल संगे अन्य 38 गोटे के उद्धार कैल गए प्रहरी जानकारी दिलन। बस चालक रूपनदेही के लुमनी सांस्कृतिक नगरपालिका 9 के 38 वर्षक हरिराम हरिजन के प्रहरी नियंत्रण में लग अनुसंधान समेत कल रूपनदेही प्रहरी भारत से नेपाल दिश भन्सार छल के आनल गए सामान बरामद कलक। जिला प्रहरी कार्यालय रूपनदेही के टोली काल्हिखन साँझ काली दह नाका से भन्सार छल के नेपाल आनल गए प्याज आ धकधकी क्षेत्र से विभिन्न उपभोग सामान बरामद कलक। प्रहरी टोली लुमनी सांस्कृतिक नगरपालिका 1 काली दह से 140 बोरा प्याज बरामद कने जिला प्रहरी कार्यालय रूपनदेही के प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP मोहन प्रसाद भट्टराई जानकारी दिलन। ई प्याज मोटरसाइकिल आ साइकिल में डुबानी क गोदाम रहल अवस्था में बरामद कैल गए प्रहरी के कहब रहा है। अना प्रहरी टोली रोहिणी गांव पालिका 3 धकधकई से 2 लाख रुपया बराबर के सामान बरामद कलक। प्रहरी बरामद कैल गए सामान में पिचकारी रंग बैलून जूता आ चप्पल स्टिकर लगायत सामान सब रहल। बरामद कैल गए सामान आवश्यक कार्यवाही के लिए भैरवा भन्सार कार्यालय बिलिया पठायल गए प्रहरी जानकारी देने। सरकार कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के सम्मेलन में भाग लेब महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री के स्वीकृति देव निर्णय कलक। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसल पूर्ण गठित मंत्रिपरिषद के पहल विस्तार के संयुक्त राष्ट्र संघ के अ सम्मेलन के 68वें सत्र में भाग लेब महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री के स्वीकृति देव निर्णय कैल गए। संघे बैसार से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा नेपाल सरकार के प्रवक्ता तो कर निर्णय से हो कैल गए। वो ऐसे पहले वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में रहल सलैन। बैसार के बाद सरकार के प्रवक्ता शर्मा मंत्री परिषद पूर्णता पेने बाद मात्र प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेत जानकारी दिलन। निर्णय संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा नेपाल सरकार के प्रवक्ता तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तर अर्को यो पहिले नै भइसकेको निर्णय थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिसन अन द स्टेटस अफ वुमन CSW 68वें सत्रमा भाग लिन मान्य महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय यो पहिले भएको थियो। अहिले पुनर्गठन भयो सरकार र अहिले नयाँ मान्य मन्त्रीज्यू भगवती चौधरीलाई त्यो टोलीको नेतृत्व गरेर त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने निम्ति क्याबिनेटले स्वीकृति गरेको छ। 2टा निर्णय मात्रै आज गरिएको छ र अरू बाँकी गत सोम दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषद पुनर्गठन केले छलैन त बृहस्पति दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार कैल गेल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारमे सहभागी होब मन्त्रीके चयन कर अधिकार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देल गेल। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय बाँकुमारीमे बैसल जसपा कार्यकारिणी बैसारसँ पार्टीके दिशा सरकारमे सहभागी होब निर्णय करैत मन्त्रीके चयन कर अधिकार पार्टी अध्यक्षके देल गेल। प्रवक्ता मनीष सुमन जानकारी देलनि। ओ नया गठबन्धनके हस्ताक्षरकर्ता जसपा रहलासँ गठबन्धनके पूर्ण रूपमे सहयोग आ समर्थन रहन धारणा रखलनि। मधेस प्रदेश सरकारके सुरक्षाके ग्यारेन्टी रहलासँ सरकारमे मन्त्री सबके नाम पठाव निर्णय भेल किनकर कहब रहल अछि। प्रदेश प्रदेश सरकारको संरक्षणको प्रत्याभूति हामीले ताकेका थियौँ। त्यो समेत भेटिसकेपछि उहाँहरूसँगै हामीले मन्त्री परिषदमा साथी पठाउन सकेनौँ। तर आजको बैठकले मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गर्यो, त्यति चाहिँ निर्णय गर्यौँ। त्यो निर्णय गरेपछि मन्त्री परिषदमा जाने साथी हाम्रो संसदीय दलमध्येकै हुन्छन्, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रसभाका सांसदमध्येकै हुन्छन्, र सो सांसदहरूमध्येकै त्यहाँ सरकारमा जाने र त्यो सब सर्वै अधिकार करिब करिब हामीले सर्वाधिकार 188(2) अनुसार हामीले फाल्गुन 6 गते विश्वासको मत नयाँ विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था थियो। तर त्यो 6 गतेको गणित फेरि तपाईँलाई 19-20 गतेतिर सुरक्षित छ। तर पनि साबिकै गठबन्धनका दलहरू जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जस्तो तपाईँलाई के भन्छ त्यहाँ हामीलाई त राप्रपाले पनि समर्थन दिएको थियो, त्यहाँ नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले पनि हामीलाई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह कऽ कऽ अध्यक्ष मन्त्रीके नाम पठाव प्रवक्ता सुमन जिक्र कलनि।
नेपाली काङ्ग्रेसकै मुख्य सचेतक रमेश लेखक एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्री अविश्वसनीय तवर्ष गठबन्धन तोड्ने आरोप लगाउने साइत बृहस्पति प्रतिनिधि सभाकै बैसारकै सम्बोधन गर्दै लेखक देशमै देहो शान्ति सुशासन संविधानकै रक्षाकै साथै विकास आ समृद्धि प्राप्त गर्न गठबन्धन बनाव सहमति भेलो पो प्रधानमन्त्री गठबन्धनकै मूल्य आ मान्यताकै तोड्ने एकतर्फी रूपमै अविश्वसनीय तरिकासँग विश्वास तोड्ने आरोप समेत लगाउँदैन। निर्वाचनकै समयमै नेपाली जनताकै बीचमै बाजल बात प्रतिज्ञा सबके व्यवस्था करित काङ्ग्रेस प्रति मात्र नै भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै विरुद्ध कठोर घात के नै हिनकर कहब रहल अछि। अहिना ओ गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री जनताकै सेहो अपमान के नै जिक्र केलनि। लेखक कपो कल्पित कथा बनाकर अपन जिम्मेवारी से भाग गठबंधन के तोड़ आ विश्वसनीयता काज कैला से ई राजनीतिक बेईमानी भेल हिनकर कहब रहल अछि। ओ निरंतर गठबंधन तोड़ आ सरकार बनाव खेल के कारण देश राजनीतिक अस्थिरता होब नै सक जिक्र सेहो केलनि। 15 महिना हुन लागेको छ, 3 पटक गठबन्धन फेरिएको छ। 15 महिनामा 3 पटक गठबन्धन फेर्दा मैले आज क्यालकुलेटरमा हिसाब गरे, झन्डै 4 वर्ष बाँकी छन्। गठबन्धन कति पटक फेरिने रहेछ त भन्दा यही स्पिडमा यही गतिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हिँड्नुभयो भने झन्डै 13 पटक गठबन्धन फेरिनेवाला छ। 12.82 आउँछ, मैले त्यसलाई 13 भने अथवा 12 भनौँला। अनि 5 वर्षमा 12 पटक गठबन्धन फेर्ने अनि आफू चाहिँ त 12 पटक भइरहने। अब यसलाई मैले जतिसुकै इमान्दार कदम हो, जतिसुकै देशका लागि हितकर हो, जतिसुकै यो राष्ट्रप्रेम हो, जतिसुकै देशभक्ति हो भने पनि म त भन्दिउँला एकछिनका लागि, नेपाली जनता पत्याउँछ, पत्याउनु पर्ने, पत्याउँदैन नि। अब यो कुरोलाई, यस्तो कुरोलाई, कस्तो कुरोलाई, 5 वर्षमा 13 पटक गठबन्धन भन् फेर्ने कुरालाई मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जीवित छतासम्म उथल पुथल गर्छु भन्नुभएको छ। ओ सरकारमै रहल काङ्ग्रेस सदैव सरकारकै आवश्यक सहयोग केने कहैत आव रचनात्मक प्रतिपक्षीकै भूमिका निर्वाह करत जानकारी देलनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता आ विकास लक्ष्य पूरा गर्न अखिल सत्ता समीकरण परिवर्तनकै निर्णय केने जानकारी देलनि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसारकै सम्बोधन करैत प्रचण्ड अपन कदम राजनीतिक बेईमानी नै रहल कहैत राजनीतिमे किछु आशंका पैदा भेलाक बाद अखनके अवस्था आयल समेत जानकारी देने छथि। संसदमे भेल कोनो दर्शन आशंका नै भएको राष्ट्रिय मुद्दा समी मिलेके आगा बढ़ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जिक्र केलनि। अहिना ओ अपन लक्ष्य सत्ता नै भएको देशमे सुशासन सामाजिक न्याय आ समृद्धि कायम गर रहल जिक्र केलथि। ओ अपने चलने कदम देश आ जनताकै हितमे रहल स्पष्ट करैत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपन कदम केकरो अस्थिरता लाग सकैत प्राथमिकता पद नै भएको देश आ जनताकै हितमे रहल जानकारी गरौलनि। सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि हासिल नगरेका होइनौँ, तर म त्योभन्दा बढी चाहन्थेँ। औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र अहिले पनि छैन। मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोस्टमबाट भनेको थिएँ, तेस्रो पटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन यहाँ उभिएको छैन। 1 वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटी नरहने मैले घोषणा नै गरेको थिएँ। म सङ्केतमा केवल यति भन्न चाहन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो, तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई जति न्याय गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्नु भएन। म सरकार
ऐना औ प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंक दिल्ली निर्देशन विपरीत कार्य केने लघुवित वित्तीय संस्था के छानबीन के कार्यवाही के दायरा में आना जानकारी देलन। ऐना ओ रूसी सेना में नेपाली के भर्ती अवैध रहल जानकारी रूसी सरकार के कराइब चुकल आ रूस जा गेल में नो ऑब्जेक्शन लेटर अनिवार्य कैल गया जिक्र सेन। राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन आ सरकार के पुनर्गठन से अधिक प्रश्न सब के जवाब द चुकल हिनकर कहब रहल सल। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री विश्वासघात क के गठबंधन तोड़ने निष्कर्ष निकालक अच्छे। संसद भवन नया बनने समय बैसल कांग्रेस संसदीय दल बैसार सर नेपाल के संविधान के रक्षा परिवर्तन के सिद्धिकरण करते दिगो शांति के साथ विकास और समृद्धि तथा स्थायित्व के लिए गठबंधन बनाएल गए उप प्रधानमंत्री विश्वासघात क के गठबंधन तोड़ने निष्कर्ष निकालने अच्छे। बैसार के बाद कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक गठबंधन प्रति कांग्रेस बेईमानी ईमानदारिकता नहीं देखने कहत कपोकल्पित कारण सब देखा कर गठबंधन तोड़ने प्रधानमंत्री के कदम के राजनीतिक बेईमानी के रूप में लेने गए जानकारी देलन। प्रधानमंत्री के राजनीतिक बेईमानी के ठहर क के प्रधानमंत्री के दिल के समर्थन समेत फिरता लेबर निर्णय भेल किनकर कहब रहल अछि। मुलुक में दिगो शांति सुशासन विकास र समृद्धि व स्थिरता प्राप्त करने लक्ष्य का साथ हामीले गठबंधन गरेका थियौ। नेपाली कांग्रेस सदैव गठबंधन का प्रति ईमानदार रह्यो। हामीले गठबंधन का मूल्य मान्यता र गठबंधन में रहदा हाम्रा बीच में भएका सहमतिहरुलाई अक्षरशः पालन करने गरेर हामी प्रतिबद्ध रह्यो र तदनुरूप हामीले काम गर्यौ। तर पछिल्लो समय में गठबंधनकै का तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहालजीले गठबंधन लाई हामीलाई विश्वासघात गर्नुभयो र गठबंधन भत्काउनु र वहाँले जुन कारणहरु विभिन्न ढंगले भनिराख्नु भएको छ ती अत्यंत काल्पनिक कपोलकल्पित र तथाकथित कारणहरु देखाएर उहाँले गठबंधन भत्काउनुभयो र यसलाई हामीले राजनीतिक बेमानी का रूप में ठहर गरेका छौं। बैसार्स पार्टी के सांसद सबके देश जनता के हित में प्रभावकारी रूप में प्रस्तुत होबा आ रचनात्मक प्रतिपक्षी की भूमिका निर्वाह कर निर्देशन देल गेल अछि। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन केराती अखन के जटिल परिस्थिति में प्रधानमंत्री अनुभवी सबके मंत्री परिषद में शामिल के जिक्र कलन। ओ राजीनामा चित्त बुझाव पर कहत चित्त नहीं बुझल अवस्था में राजनीति कर नहीं सक जानकारी से दिलन। किराती अपने मंत्रालय में रह समय अधिक काज के ने आ जिम्मेवारी पूरा समेत के ने हिनकर कहब अच्छे। होइन अब राजनीतिकमा चित्त त सधैँ बुझाउने गर्छ। जस्तो चित्त बुझाउन सक्दैन त्यसले राजनीति गर्न पनि सक्दैनन्। ठुलो चित्त हुनेले राजनीति गर्ने हो। काले त तिमीहरू पाउन पनि मलाई धेरै डर लाग्यो पनि तिमीहरू पाउनु सजिलो कुरा पनि हुनु नै त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तिमीहरू पुरा गर्नु हो। मन्त्रालयबाट निस्किँदाखेरि मैले एकदमै खुसी साथ म निस्किन पाएँ ठन्डै म बेदाब छरिकेँ मलाई त दाब लागेन र मैले जति गरेँ एक वर्षमा मैले धेरै काम गरेको छु जो चाहिँ परिणाम सर अहिले पनि त हामी बहुमतमै छौँ र बहुमत भएपछि विश्वासको मत पुरा हुन्छ। विश्वासको मत यसो भए हाम्रो राम्रो ओ प्रधानमन्त्री सहज रूपले सदन सब विश्वासके मत पाए धारणा सेहो रखलन। अहिना ओ जै ठाउँमै रहनु पर देशके सेवामे ध्यान केन्द्रित गर उल्लेख कलन। टुडे समाचारमे अब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। नेपाली बाजार में सोन के दाम दिन दिन नया रिकॉर्ड बनाई रहल अछि। सोन के दाम आई अखन धरि के सबसे बेसी महंग भेल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई सोन तोला के 1,500 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 125,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन सोना प्रति तोला 123,500 में कारोबार भेल संगे आई नया रिकॉर्ड सेहो बनौलक अछि।
ऐना मंगल दिन सुन के दाम प्रति तोला 1,23,000 रुपया निर्धारण करित नया रेकर्ड बनाने सल। अंतर्राष्ट्रीय बजार में सुन के दाम बढ़ल संगे नेपाली बजार उजेहो बढ़ल सुनसानी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौलक संगे आई चांदी के दाम से हो बढ़ल चांदी के दाम आई तोला के 30 रुपया से बैठ कर 1,470 रुपया में कारोबार भ रहा बेस। तो टुडे समाचार अखन के लिए एतबा कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। अखन धर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।